सो दोस्तों, ये है एक हीरो होंडा CD100 SS। ये मोटरसाइकिल तो आपको पता ही होगी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिल है। और ये है इसका एक मॉडिफाइड वर्जन, जिसको यहाँ पे एक स्क्रैम्बलर के स्टाइल में मॉडिफाई किया गया है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी बाइक के बारे में सारे कुछ जानकारी दूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा। सो ये देख सकते हैं, ये एक अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट है जो कि एक हीरो होंडा CD100 SS में किया है। और शायद इंडिया में बहुत ही ऐसे कम मॉडिफायर है जो कि CD100 SS को कुछ इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग लुक देखिए, कोई भी इसको देख के शायद नहीं बोल सकता या नहीं सोच सकता कि एक ये हीरो होंडा CD100 SS एक 100 cc की मोटरसाइकिल है। क्योंकि जो यहाँ पे इसका जो लुक आया है, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बाइक लग रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इसका स्विंग आर्म सेटअप हो गया, ओवरऑल जो इसका टायर्स का सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। और जो ओवरऑल मोटरसाइकिल का जो यहाँ पे बिल्ड आया, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा बिल्ड देखने में लग रहा होगा। ये बेसिकली एक CD100 SS के ऊपर मॉडिफिकेशन किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि उसकी जो स्टाइलिंग आई है, बहुत ही खूबसूरत आई है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को भी इसकी स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अब आते हैं इसके चेंजेस के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि ये मोटरसाइकिल का ओवरऑल मतलब पार्ट्स यहाँ पे चेंज हो गया, जैसे कि इसका जो फ्रंट फोक की असेंबली है, वो भी यहाँ पे कस्टमाइज लगाई, मतलब कस्टम तरीके से इसकी फ्रंट फोक की असेंबली भी लगाई गई। साथ साथ अगर आप इसका स्विंग आर्म सेटअप देखेंगे, तो वो भी यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। इसका स्विंग आर्म सेटअप इसलिए चेंज किया है ताकि जो बाइक के जो ओवरऑल लंबाई है, वो यहाँ पे अच्छा बड़ा दिखे। और साथ साथ जो पीछे के मोटे टायर भी आप लोग लगा पाएँ, क्योंकि अगर आप CD100 SS का जो स्विंग आर्म का सेटअप का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपके इतने ज़्यादा मोटे टायर्स आप लोग शायद नहीं लगा पाएंगे। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज फ्यूल टैंक देखने मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है मोटरसाइकिल का। क्योंकि इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई इस तरह के इंजन वाली मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर रहा है। ये आप सभी लोग के लिए एक एग्जाम्पल है। सो ऐसा नहीं है, मॉडिफिकेशन आप कोई भी मोटरसाइकिल में करा सकते हैं, चाहे आपके पास CD100 SS हो, प्लैटिना हो, CD100, आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल है, हर एक मोटरसाइकिल अपने कैटेगरी में मॉडिफाइड किया जा सकता है। आप लोग खुद ही इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लगे देखने में लग रही। क्योंकि इसका जो स्पेशली इसका फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और पीछे को जो सीट बनाया है बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में सीट है। और आप लोग इसका टेल लैम्प का सेक्शन का प्लेसमेंट देख सकते हैं, किस तरह से इसमें आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स लगाए हैं, इंडिकेटर, और छोटा सा फेंडर यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप लोग पीछे का स्विंग आर्म सेटअप देख सकते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप देखिए कितने अच्छे तरह से उसके प्लेसमेंट किए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से साइड प्रोवल से भी देखने में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है। ऐसा लग रहा है ये बाहर की गाड़ी या रॉयल एनफील्ड की FZ वगैरह गाड़ी आती है, उस प्रोपोर्शन की ये गाड़ी यहाँ पे बनी गई है। इस मोटरसाइकिल में आफ्टर मार्केट एसेसरीज में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका जो क्रैश गार्ड है, क्रैश गार्ड के अंदर भी आपको इंडिकेटर्स देखने मिलता है। और साथ ही यहाँ पे आफ्टर मार्केट का LED हेडलैम्प भी लगाया गया, जो कि इसमें आपको DRLs भी देखने मिलता है, जो कि आजकल बहुत सारे जगह पॉपुलर है। मैक्सिमम कस्टम बाइक में आपको इसी तरह के हेडलाइट्स भी देखने मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे, तो इसका जो हैंडल बार का पोजीशन है, वो भी यहाँ पे चेंज किया, और ये बिल्कुल इसमें स्ट्रेट हैंडल बार जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड दे रहा है, और आपको राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा आप लोग फ्रंट का फेंडर देखते हैं, वो भी यहाँ पे कस्टमाइज, और यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने मिलता है। जी हाँ, आपको इसमें डिस्क ब्रेक, एक CD100 SS में एक डिस्क ब्रेक फंक्शनलिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त, ये मतलब एक अलग लेवल का कस्टमाइजेशन वर्क किया गया। और दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग जान पाएँ, और वो भी अपनी बाइक को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस तरह का बाइक मॉडिफाई करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में इमेजिनेशन होता है कि जितनी भी मॉडिफिकेशन होता है वो 150 cc के ऊपर होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके 150 cc के नीचे की बाइक है, तो उसको भी आप लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली ये वाला प्रोजेक्ट आप सभी का काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। क्योंकि आप लोग देखिए CD100 SS का मॉडिफिकेशन लेवल किस तरह से यहाँ पे अल्टीमेट वर्क किया गया है। और दोस्तों, अगर आप सभी को इसका मॉडिफिकेशन कॉस्ट जाना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम है MotoMahal, वहाँ पे मुझे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसके बारे में सारी कुछ जानकारी दूंगा। अगर उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी आप सभी को दूंगा। अगर हम बात करें इसके कलर टोन के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही लेवल का क्रोम फिनिशिंग दिया गया, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर एल्युमिनियम फिनिशिंग, इसका फ्यूल टैंक कलर, साइड पैनल भी, बाकी यहाँ पर जितने भी पोर्शन देख रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया, जैसे कि इसका इंजन हो गया, इसका जो फ्रेम हो गया, सब कुछ यहाँ पे ब्लैक ही रखा गया। और साइड प्रोवल से गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही कूल लग रहा है। स्पेशली इसकी जो मोटे मोटे टायर्स आए हैं इस बाइक का प्रोफाइल में, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है। इसका जो एग्जॉस्ट सेटअप देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे कस्टम मेड है, और ये भी कस्टमाइज है, कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको इसका एग्जॉस्ट सुनना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली आप सभी को इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जॉस्ट और इसका राइड वाला वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको सीट बनाया है, सीट की लेवलिंग देख सकते हैं, जो टैंक से बिल्कुल जुड़ा हुआ यहाँ पर सीट है, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से इस बाइक को कस्टमाइज किया गया। वेल प्रोपोर्शन बाइक है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है एक नॉर्मल 100 cc बाइक को, तो देख के कोई भी इमेजिन इसको नहीं कर सकता। अगर आपको इस तरह के सेम
मॉडिफिकेशन का तो आप लोग हीरो होंडा स्प्लेंडर में करा सकते हैं, सिटी 100 में करा सकते हैं, और जितने भी छोटे छोटे इंजन वाली पुरानी गाड़ी आती थी उनमें भी आप लोग इस तरह का लुक करा सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना लाइक करिए लाइक करिए लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये मॉडिफाइड CD100 SS एज अ स्क्रैम्बलर स्टाइल में, और क्या आपने कभी भी आज से पहले इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक मॉडिफाइड CD100 SS देखा या नहीं देखा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट अनबिलीवेबल है और कोई भी इसको देख के डेफिनेटली शॉक होगा कि एक 100 cc की मोटरसाइकिल को इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना दिया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।